राधे कृष्णा फ्रेंड्स आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे जहाँ पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट क्योंकि अगर किसी भी चीज को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड हेलो हेलो वेलकम बैक आज हम करने वाले हैं फर्स्ट एफोरिज्म की फुट नोट जो कि है थियोरेटिक मेडिसिन हमने अब तक एफोरिज्म एफोरिज्म aphorism में फ़र्स्ट एफोरिज्म जो कि है फिजिशियंस मिशन वो इन डिटेल में सब कुछ देख लिया है इन डिटेल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं आज हम डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट एफोरिज्म जो कि है हमारा द मिशन ऑफ फिजिशियन उसकी फ़र्स्ट फुट नोट थियोरेटिक मेडिसिन के बारे में फ़ुट नोट क्या है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन और फिर से एक बार एफोरिजम्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखने के बाद शुरू करेंगे आज के टॉपिक को

जैसे कि संस्कृत के स्लोक्स uh, होते हैं कुछ उसी तरीके से ये एफोरिजम्स होते हैं जो शॉर्ट में दिए गए होते हैं क्लेवली फ्रीज वे में दिए गए होते हैं कि जो एक ट्रुथ को दिखाते हैं एक ट्रुथ को हमें बताते हैं नाउ फुटनोट क्या है फुट नोट इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एफोरिज्म बट फर्दर एलेबरेटेड कंटेंट ऑफ द सेम मैटर एक फुटनोट है वो ना ही ना

वेरी क्लियर लैंग्वेज इन द वेरी फर्स्ट आर्टिकल और एफोरिज्म ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन दट इज़ दोल ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन टू हील एंड क्योर द सिक मैन एंड रिस्टोर ऑफ़ द हेल्थ यानी कि हेनुम सर ने बहुत ही क्लियरली अपंट कर दिया है हमें एक एम और ऑब्जेक्ट दे दिया है सारे फिजिशियंस को एक क्लियर लैंग्वेज में अपने फर्स्ट एफोरिज्म यानी कि फर्स्ट आर्टिकल हमें ही ऑर्गेनर ऑफ मेडिसिन के कि फिजिशियन की एकमात्र ड्यूटी सोल ड्यूटी क्या है फिजिशियन की टू हील एंड रिस्टोर द मैन और रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ और साथ ही साथ हेल्थ को रिस्टोर करना उस मैन को हेल्थ तक रिस्टोर करना यही फिजिशियन की एकमात्र ड्यूटी है होम्योपैथी इज़ नॉट द थियोरी ऑफ डिसज़ बट द थियोरी ऑफ़ क्योर होम्योपैथी क्या है कोई ऐसी पैथी नहीं है जिसमें सिर्फ थियोरी ऑफ डिस दी गई है कि ये डिसज़ वो डिस ये डिसीज़ की ये दवाई ये डिसीज़ यानी डिसज़ की इर्द गिर्द सब कुछ नहीं घूमता इसमें क्या है इसमें थियोरी ऑफ क्योर दिया गया है यानी यहाँ पर अल्टीमेटली Uh, जो रिजल्ट होते हैं वो हमारे क्योर लाने का इंटेंशन uh, के साथ होते हैं यानी कि रिजल्ट्स हमें क्योर देते हैं पेशेंट को क्योर दिलाते हैं बट द थियोरी ऑफ द क्योर होम्योपैथी क्या है थियोरी ऑफ द क्योर इन द फर्स्ट फुट नॉट और फुट नॉट टू द एफरिज्म फर्स्ट हैनिमन सर क्रिटिसाइजेज द वर्क ऑफ फिजिशियन एंड सीज फिजिशियंस वर्क इज नॉट ओनली टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट थियरीज अबाउट द डिसज एंड इट्स कॉजेज हैनेमन सर ने क्रिटिसाइज़ किया अपने सारे फिजिशियंस के वर्क्स को उस टाइम पर और उन्होंने बताया कि फिजिशियन का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि वो डिफरेंट डिफरेंट थियोरीज को फॉर्म करे कंस्ट्रक्ट करे लेकिन उनका काम होता है अब टू कंस... टू फाइंड की कौन सी रेमेडीज है वो उस डिसीज़ को क्योर कर सकती है कौन सी मेडिसिन को हम एज अ रेमेडी उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं तो हेनुमन्द सर ने क्या क्रिटिसाइज़ किया फ़िजिशियंस के वर्क को क्या कहकर क्रिटिसाइज़ किया कि फिजिशियन का काम सिर्फ डिफरेंट थियरीज़ को कंस्ट्रक्ट करना डिसज़ के बारे में और उसके कोर्स के बारे में वही थियरीज बनाना और उसी पर ज़्यादा रिसर्च करना नहीं है उनका काम है फाइंड करना कि कौन सी क्यूरेटिव मेडिसिन हमें पेशेंट को उस डिसीज़ कंडीशन में देनी है Hanneman sir criticizes the work of physician and sees physician work is not to construct different theories about the disease and its causes, but his aim is to find out the curative remedy of the diseases. aim hai to find out the curative remedy of the disease. We have observed that in the medical history, many physicians have वी स्टेट दर टैलेंट्स एंड टाइम्स इन फॉर्मुलेटिंग वेरियस थियरीज ऑफ द डिस हमने ऐसा बहुत ऑब्जर्व किया है हमारी सारी मेडिकल हिस्ट्रीज़ में कि बहुत सारे फिजिशियंस ने अपना बहुत ज़्यादा टाइम और टैलेंट दोनों ही वेस्ट किया है ऐसे डिफरेंट थियरीज़ को फॉर्मुलेट करने में बनाने में दे आर हाइपोथिस ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम उनकी ये जो थियरीज़ है ये जो विचारधारणा है ये जो हाइपोथिसिस है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है इफ़ वी लुक थ्रू

ऑन द कंट्रारी होम्योपैथी इज बेज ऑन एवर लास्टिंग ट्रूथ कॉल्ड नेचर्स लॉ ऑफ क्योर और उसी के कॉन्चारी में जो होम्योपैथी है वो बेस्ड है एवर लास्टिंग ट्रूथ पे यानी हमेशा सच रहने वाला एक प्रिंसिपल जिसे हम नेचर्स लॉ ऑफ क्योर बोलते हैं उस पर बेस्ड है हमारी होम्योपैथी यानी कि इसकी प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं होती ये थियरी चेंज नहीं होती सो ऑन द कॉन्चारी होम्योपैथी इज़ बेस्ड ऑन एवर लास्टिंग ट्रूथ एंड कॉल्ड नेचर्स लॉ ऑफ क्योर द स्पिरिट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी हैव नेवर कैन बी सोलली इन द कीप ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड डाइंग सी स्ट्राउट क्लूस यानी स्ट्राउट क्लूस भी बताते हैं कि जो स्पिरिट्स और प्रिंसिपल्स हैं होम्योपैथी के जिस पर हम बिलीव करते हैं वो एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होती ऑर्गेनाइज रहती है कंटीन्यूटी में रहती है ना तो वो चेंज होती है ना ही वो डाइ मतलब मरती है और होम्योपैथी ये एकमात्र ऐसे सिस्टम है जिसको हम ये सारी चेंज होने वाली सिस्टम्स है सारी चेंज होने वाली थियोरीज है उसके ओपोज में रख सकते हैं क्योंकि वो स्टेबल है होम्योपैथी और सामने वाली सारी सिस्टम्स अनस्टेबल है द ऑर्थोडॉक्स स्कूल ट्राइड टू लिफ्ट अप द आर्ट ऑफ हीलिंग टू द लेवल ऑफ थियोरेटिक मेडिसिन यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है उन्होंने भी ट्राई किया है आर्ट ऑफ हीलिंग तक अपने लेवल को थियोरेटिक मेडिसिन के लेवल को अप करने का लेकिन क्या होता हर है हर बार उनकी थियोरी चेंज हो जाती है दिस हेल्प टू इम्प्रेस द इग्नोरेंट पेशेंट विद डिफिकल्ट टर्न एंड नॉट ओनली अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स ये उस इग्नोरेंट पेशेंट्स को इग्नोरेंट पेशेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए हेल्पफुल होती है कि वो ट्राई कर रहे हैं वो रिसर्च कर रहे हैं वो आर्ट ऑफ फिलिंग कर रहे हैं लेकिन बेसिकली उनको पीछे बैक में क्या हो रहा है वो उनको कुछ नहीं पता होता उनको ये इजीली अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स के साथ ये सारी चीज़ें समझाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो इग्नोरेंट है वो अपने फिक्सड आइडियाज़ पर ही अड़े रहेंगे कि उनको अभी जो सिस्टम एलोपैथी है या फिर जो सिस्टम वो करेंटली यूज़ uh, कर रहे हैं उसके बारे में वो कुछ सुन नहीं सकते तो उन लोगों को किसने भी आसान शब्दों में समझो समझाना मुश्किल होगा क्योंकि वो देखते हैं कि हर बार एलोपैथी हर बार जब एलोपैथिक डॉक्टर्स है वो क्या करते हैं किसी भी कॉज को फाइंड नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं नई थियरी बना देते हैं इन द नेम ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना कोरोना में हमने तो बेसिकली मोस्ट ऑफ प्लेसेस में आर्सेनिक या फिर ऐसी ही होम्योपैथिक मेडिसिन दी थी जो पहले ही प्रूव हो चुकी है लेकिन क्या किया एलोपैथ्स ने उनके पास ना तो कोर्स था ना तो कुछ आइडिया था तो उन्होंने उसको साइंटिफिक रिसर्च का नाम देकर नई थीरीज बना दी कोरोना की तो वो थियरीज उनकी कॉज वो सब कुछ चेंज होता है एवरी टाइम दे फेल जब जब वो फेल होते हैं दे फाइंड आउट बेसिक इन फाइंडिंग आउट द बेसिक कोर्स दे डेवलप अ न्यू थियरी इन द नेम ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस साइंटिफिक प्रोग्रेस के नाम पर वो एक नई थीयरी बना देते हैं दिस फिजिशियंस इन द नेम ऑफ स्पेशन ट्राई टू मिसलीड द पेशेंट्स विद दर इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट टॉक्स ऐसे जो फिजिशियंस होते हैं जो बार बार अपनी निष्फलता को छुपाने के लिए नई नई नाम देकर अपने इंटेलिजेंट टॉक्स से अपने पेशेंट्स को मिसलीड करते हैं वो स्पेशलाइजेशन के नाम पर क्या करते हैं पेशेंट को मिसलीड करते हैं अपनी मीठी मीठी बातों से अपनी इंटेलिजेंट बातों से At the end, Henneman circles the physician to find out the remedy which can cure the sick and not to waste their time in constructing empty theories. और इसीलिए एट द एंड हैनुमंत सर ये सारी बातें बताने के बाद ये कहते हैं कि फिजिशियंस का काम सिर्फ रेमेडी को फाइंड करना नहीं है उनका काम है कोई भी सिक पेशेंट को क्योर दिलाना एंड नॉट टू वेस्ट देयर टाइम और उनका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें कंस्ट्रक्टिंग एम्टी थियरीज एम्टी थियरीज क्यों बोला क्योंकि ये सारी खाली थियरीज़ है क्या काम का अगर फिर से कोई नई डिजीज आ जाएगी वो उनका कोज नहीं फाइंड कर पाएंगे तो वो फिर से नई रिसर्च करके फिर से कोई थियरी बना देंगे बेसिकली ये थियरीज का कोई यूज तो है नहीं तो एम्टी थियरीज को कंस्ट्रक्ट करने में अपना टाइम वेस्ट ना कर, कर वो और पेशेंट्स को क्योर करने पे अपना फोकस दे तो वो ज्यादा अच्छा होगा ऐसा फिजिशियंस को है सर का एक मैसेज है थ्रू दिस फुट नॉट ही सीज इट इज नाउ हाई टाइम दैट ऑल वो कॉल हेमसेल्फिजिशियंस शुड एट लेंथ सीज टू डि सफरिंग सॉरी सीज टू डिस mankind with विद द मेयर टॉक एंड बिगिन नाउ for फॉर वंस टू एक्ट दैट इज़ रियली टू हेल्प एंड क्योर यानी कि अब हैनम सर लास्ट में ये कहते हैं कि ये अब बहुत ज़्यादा हो गया बहुत ज़्यादा समय से ये चला आ रहा है तो अब ये हाई टाइम है कि सारे वो लोग जो अपने आप को फिजिशंस बोलते हैं वो ये थियोरीज बनाना स्टॉप कर दे मे जो ह्यूमन बींग है जो मैन काइंड है जो सफ़र कर रहा है उसको अपनी मीठी मीठी बातों में ना उलझा कर कुछ करें उनके क्योर के लिए एट द एंड क्योर ही

sir pointed out the aim and object of the physician in the clear language in the very first article of Organon of Medicine, that is, the sole duty of the physician to heal and cure the sick men and restoration of the health. Homeopathy is not the theory of disease, but the theory of cure. In the first footnote, Hanneman Sew criticizes the work of physician and sees physician's work is not only to construct different theories about the disease and its causes, but his aim is to find out the curative remedy of that disease. We have observed that in the medical history, many physicians have wasted their talents and time in formulating various theories of the disease. Their hypothesis kept on changing from time to time if we we'll look thoughtfully at the medical literature over period of years we find it one kaleidoscopic panorama of ever changing theory and practice sees H. a robot on the contrary homeopathy is based on everlasting truth called nature's law of cure the spirit and principles of homeopathy have never been

सॉरी uh, उल्टा बोल दिया था मैंने गलती से यहाँ पर वो आर्ट ऑफ हीलिंग को यानी हमारी होम्योपैथी को क्रिटिसाइज करके उनको थियोरेटिक मेडिसिन वाले लेवल तक लाना चाहते हैं तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ट्राइड टू लिफ्ट अप द आर्ट ऑफ हीलिंग टू द लेवल ऑफ थियरेटिक मेडिसिन थियोरेटिक मेडिसिन को उन तक लगता है कि वो वहाँ तक उनको क्रिटिसाइज करके ले जाएंगे तो वो उनको लिफ्ट अप कर रहे हैं लेकिन वो बदले में अपने आप को ही कम आंक रहे हैं द ऑर्थोडॉक्स स्कूल ट्राइड टू लिफ्ट अप द आर्ट ऑफ हीलिंग टू द लेवल ऑफ थियोरेटिक मेडिसिन यानी आई होप आई एम क्लियरिंग द पॉइंट्स लेकिन मुझे जितना समझ में आ रहा है आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेनिंग इट टू यू ऑल गाइज सो बेसिकली अगर आप कुछ भी फिर भी डाउट है तो यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट एंड ट्राइंग माई बेस्ट फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है दैन आई एम रियली दिस हेल्प टू इम्प्रेस द इग्नोरेंट पेशेंट विद डिफिकल्ट एंड नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स एवरी टाइम द फेल टू फाइंड आउट द बेजिक कॉज देर डेवलपड न्यू थियोरी इन द नेम ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस These physicians, in the name of specialization, tried to mislead the patients with their intelligent talk. At the end, Hanuman sir called the physician to find out the remedy, which can cure the sick, and not to waste their time in constructing the empty theories. And at last, he sees it is now high time that all who call themselves physicians at length cease to dissolve suffering mankind with their talk, and in now instead of once act is really to help and to cure. हनुमान सर पूरी थियोरिटिकमेंट में यही बनाया है कि कि को को कुछ काम करना है, help करना है कि क्योर कैसे करें अपने को, ना उनको सिर्फ अपनी मीठी मीठी बातों से उलझा रखे और स्पेशलाइजेशन के नाम पर बस एम टीज फॉर्म करते तो ये था वीडियो का आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप आई ट्राइंग मैंने कुछ आपको थोड़ा की हो ये को करने में So, yeah. यहाँ पर इसे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर थैंक यू थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाव और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशंसी और आपके जो भी सजेशन्स है रिव्यूज़ है कॉमेंट में ज़रूर बताइए आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट थैंक यू